लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे प्रदेश डिपो धारक संघ जल्द ही आक्रामक ढंग से लड़ाई लड़ेगा। हमीरपुर में आयोजित प्रदेश स्तरीय डिपो धारकों की बैठक में निर्णय लिया गया है कि आगामी दिनों में डिपो धारकों की मांगों को पूरा न किया गया तो क्रमिक अनशन से लेकर धरना प्रदर्शन करने के लिए डिपो धारक मजबूर हो जाएंगे। हमीरपुर में प्रदेश डिपो संचालक संघ ने बैठक का आयोजन किया। बैठक में हमीरपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। बैठक में पूरे प्रदेश से डिपो धारकों ने भाग लिया। डिपो संचालकों ने डिपो चलाने में आ रही समस्याओं के बारे में भी विस्तार से चर्चा की। वहीं आगामी रणनीति के बारे में भी चर्चा की गई। वहीं डिपो धारकों ने सरकार से अस्थायी कर्मचारी घोषित करने की मांग की है। वहीं डिपो संचालकों ने सरकार को चेताया है कि बार बार आग्रह करने के बाद भी सरकार अगर डिपो होल्डरों की समस्या का समाधान नहीं करती है तो आने वाले समय में प्रदेश भर के डिपो धारक आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी सारी जिम्मेवारी प्रदेश सरकार व खाद्य आपूर्ति मंत्री की होगी। प्रदेश डिपो संघ नव नियुक्त अध्यक्ष अशोक कवि ने बताया कि आज हमीरपुर में डिपो संचालक समिति द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि अगर आने वाले समय में सरकार डिपो धारकों के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाती है तो सभी डिपो धारक आंदोलन करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। अशोक कवि ने बताया कि आज तक प्रदेश में जो भी सरकार रही है सभी ने डिपो धारकों की समस्याओं को अनदेखा किया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि डिपो धारकों को स्थायी कर्मचारी घोषित किया जाए। साथ ही मंत्रियों द्वारा डिपो धारकों पर की गई टिप्पणियों पर भी ऐतराज जताया है और कहा है कि ऐसे में जनता पर बुरा असर पड़ता है कि डिपो धारक ही राशन रख लेते हैं और जनता को नहीं देते हैं। उन्होंने मंत्रियों को सोच समझकर बयानबाजी करने की नसीहत दी है। इसका पहले सरकार के पास अपनी जो समस्याएं हैं इनको रख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री के पास भी हमने अपनी समस्याओं को रखा है, दो बार हम मिले हैं। और जो हमारे किशन कपूर जी हैं खाद्य पूर्ति मंत्री, इनसे भी हम मिले हैं। इनको हमने शांतिपूर्वक ढंग से जो है वो अपनी समस्याएं इनके इनसे अवगत कराया अपनी समस्याओं से। तो अगर आने वाले समय में सरकार ने हमारे हित में कोई निर्णय नहीं लिया तो प्रदेश भर के डिपो होल्डर जो हैं वो किसी एजिटेशन करने पर मजबूर होंगे। उसमें धरने भी हो सकते हैं, हम जिला मुख्यालय पे धरने भी दे सकते हैं या कोर्ट में भी केस कर सकते हैं, क्रमिक अनशन पे भी बैठ सकते हैं या राशन ना उठाने का फैसला भी हमारी जो प्रदेश डिपो संचालक समिति है वो ले सकती है। कि हमने कई बार पिछली सरकार को अवगत कराया था, माननीय मुख्यमंत्री थे पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी, तो उनको भी हमने कई बार अवगत कराया। खाद्य आपूर्ति मंत्री थे बाली जी, उनसे भी कई बार मिले और उन्होंने भी सिर्फ हमें आश्वासन दिए, लेकिन हमारी कमीशन के बारे में या हमारे लिए कोई नीति बनाने में जो है वो सरकार वो भी असमर्थ रही। लेकिन अब हम जो है वो इस सरकार से कमीशन बढ़ाने की नहीं, हमारी जो डिमांड होगी मुख्य डिमांड होगी वो जो है वो हमारी मेन डिमांड ये सरकार के समक्ष हम रखेंगे कि हमारे लिए अनुबंध नीति बनाए, कोई अनुबंध नीति बनाई जाए और हमें स्थायी कर्मचारी बनाया जाए। और जब हम स्थायी कर्मचारी घोषित होते हैं तो हमें सिविल सप्लाई कारपोरेशन के कर्मचारी घोषित करे सरकार, जबकि सरकार के आदेश के अनुसार 8-8 घंटे तक हम काम करते हैं, लोगों को पूरा राशन दे रहे हैं और पूरा 8-8 घंटे काम कर रहे हैं। लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने आज तक हमारे लिए कोई भी नीति जो है वो नहीं बनाई है। लेकिन आप सरकारें जो है वो अगली दूसरी जो संस्थाएं हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, चाहे वो अध्यापक संघ हैं या कोई और हैं, उनकी उनकी समस्याओं के बारे में सरकार जो है वो समय समय पर कोई ना कोई सुधार करती रहती है, कोई ना कोई विचार करती है। लेकिन जो डिपो होल्डर हैं इनके लिए सरकार ने आज तक कोई भी नीति वो नहीं बनाई और संकोच कर रही है सरकार। लेकिन हमें अब सरकार से अपनी लड़ाई लड़नी होगी। मैं एक बात और कहूँगा कि मैंने मुझे भी 20 वर्ष हो गए डिपो चलाते हुए। 20 वर्षों में मैंने 4 मंत्री देख लिए, सिंगी राम जी देखे, धवाला जी देखे, बाली जी देखे और अब हमारे मंत्री कृष्ण कपूर जी हैं, मैं इनको भी देख रहा हूँ। जब भी कोई मंत्री हमारे विभाग का बनता है तो सबसे पहली स्टेटमेंट इनकी आती है कि डिपो होल्डर चोर है और वही कथन में लेकर जो है वो डिपो में लोग आते हैं कि जब राशन नहीं आया है तो आपने राशन भेज दिया है, आपके मंत्री ने बोला है कि आप ब्लैक करते हैं। तो जब डिपो होल्डर डिपो के ऊपर जो राशन कार्ड धारक हमारे पास आते हैं उस खबर को पढ़ के ये सोचते हैं कि ये राशन पीछे से आया है लेकिन मंत्री ने कहा कि ये ब्लैक करते हैं तो ये इन्होंने भेज दिया है, तो इससे जो है वो डिपो होल्डरों के साथ लोग जो कई बार झगड़ा करते हैं। तो ऐसी थोड़ी जो स्टेटमेंट्स हैं, मैं आग्रह करूंगा, दोबारा आग्रह कर रहा हूं कि इनके ऊपर बंदिश लगे।
वहीं विधायक नरेंद्र ठाकुर ने डिपो धारकों को आश्वासन दिया है कि वह उनकी समस्याओं को लेकर सरकार व खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री के समक्ष रखेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकार द्वारा डिपो धारकों की मांगों को पूरा किया जाएगा। मेरे सामने आपने जो डिमांड रखी है, जिसकी चर्चा मैंने आपसे की भी है, मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ, मैं ये डिमांड लेटर में नहीं चल रहा, पहले तो मैं मंत्री के पास बैठूंगा। कपूर जी आपके जो कंसर्न मंत्री हैं, मैं इनको कन्विंस करूंगा भाई ये डिमांड है पूरी स्टेट के डिपो होल्डर्स की, ठीक है। और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई ऐसी डिमांड है जो भी वो मना कर दे मानने वाली, ना जेन्युइन डिमांड है आपकी।